जब भी ऑफिस के लिए स्टाफ के लिए चेयर्स परचेज करनी होती है तब हमारे माइंड में काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, कैसी चेयर लेनी चाहिए, उस चेयर में क्या क्या फंक्शन होने चाहिए, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी होनी चाहिए और उसका लो मेंटेनेंस चेयर होनी चाहिए ताकि हम जब परचेज करते हैं स्टाफ यूज करता है तो हम उसमें मेंटेनेंस में उलझे नहीं रहे। तो लो मेंटेनेंस चेयर कैसे हो सकती है? जैसे अलग अलग तरह के हर मेंटालिटी वाले स्टाफ होते हैं, मेल फीमेल एज अलग अलग होती है, हर किसी की बैठने की हैबिट भी अलग होती है। जैसे आप वर्क कर रहे हो आपको ये आर्म्स जो है वो शॉर्ट हो रहा है तो यू कैन एडजस्ट योर हाइट एज पर योर कम्फर्ट। ये आर्म्स जो है वो आगे पीछे स्लाइड होता है तो आप आपकी कम्फर्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जो हाइट वाला बंदा है उसको सीट बड़ी चाहिए तो वो इस तरह से सीट को बड़ी कर सकता है, ये सीट स्लाइडर है इसमें लगा हुआ। जैसे आप वर्क करते हैं तो जब भी वर्क करते हैं तो बैक पेन को अवॉइड करने के लिए बैक को लॉक रखिए और इस तरह से बैक को पूरा सपोर्ट दीजिए, इस तरह से आप उस पर बैठिए ताकि आपको बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका लेग जो है वो पूरा फ्लोर पे टच होना चाहिए, बैक आपको इस तरह से प्रॉपर टच रखनी है। अगर आपको रिलैक्स होना है तो यू कैन रिलीज द लॉक, इस तरह से आप रिलैक्स हो सकते हो। आप इसको अगेन लॉक कर दो तो बैक वहीं पे रहेगी, आपको आगे धक्का नहीं करेगी। तो इसमें एनी पोजीशन बैक लॉक मैकेनिज्म विद सीट स्लाइडर लगा हुआ है। तो अगेन मैं कहूंगा आपको चेयर के साथ में एडजस्ट नहीं होना है, चेयर को आपके साथ में एडजस्ट होना है। वी आर कॉस्ट फर्नीचर, वी आर मैन्युफैक्चरर ऑल काइंड ऑफ ऑफिस फर्नीचर स्पेशलाइज इन रिवॉल्विंग चेयर्स। योर इमेजिनेशन आवर क्रिएशन। थैंक यू वेरी मच।